नमस्कार, आप देख रहे हैं कोल कोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जी हां, रीवा जिले के हनमना थाना अंतर्गत में कैलाशपुर आता है, जहां सनसनीखेज एक मामला निकल के बाहर सामने आया है, जहां पर एक औरत का डेड बॉडी जो है घर के अंदर में विचित्र हालत में पड़ी हुई है। हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह में पन्नी बंधी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी वास्तविकता क्या हुई मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि पुलिस टीम पहुंची हुई है और यहां पर FSL टीम पहुंची हुई है, लगातार वो जांच कर रही है, बाकी किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। प्रत्येक दर्शी जो सामने घर के सामने रहते हैं, पांडे जी हैं, और उन्होंने जब देखा कि महिला जो सुबह से नहीं निकली है, तो आखिर क्या रीज़न है, इसकी सूचना उन्होंने अपने उनके पुत्र को दी, क्योंकि जो पुत्र और पिता थे ऑपरेशन करवाने के लिए जबलपुर गए हुए थे। स्थिति क्या थी, हार्निया का ऑपरेशन करवाना था, उसमें लगभग 8 तारीख को यहाँ से निकल के गए हुए थे, काफ़ी लंबा समय था, घर में महिला अकेले रह रही थी, कंडीशन क्या हुई, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनको सूचना प्राप्त हुई और क्या स्थिति थी। प्रकाश पांडे, कौन सा गाँव ये? कैलाशपुर। क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि पानी भरने हमारे यहाँ जाती थी प्रतिदिन, कल नहीं गई तो हमने अपने पास पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई ये घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं। सब लोग एकत्रित हुए, दोनों तरफ दरवाज़ा बंद था, तब उनके लड़के के पास फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे घर में तीसरा दरवाज़ा भी है, उसको खोल करके देखो जो कच्चा है। खोल करके देखा गया तो लाश पड़ी मिली। प्रथम दृष्टि से बताया जा रहा है कि हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो क्या ऐसी स्थिति आप लोगों को देखी थी? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। पुलिस वाले वहां तक जाने दिए आप लोग? नहीं, हम लोगों को नहीं जाने। सरपंच को इसकी सूचना दी गई थी? हाँ, सरपंच को सूचना दी गई थी। ये कल लगभग 4 बजे के आसपास का बताया जा रहा है और लगभग 12-1 बज रहा है और पुलिस काफ़ी लेट है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें हम क्या कहेंगे, वो तो शासन का काम है, शासन जाने। यहीं रहते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? सर, इस घटना में क्या कहेंगे, घटना तो इतनी गंभीर हो चुकी है कि शायद हमने अपनी उम्र में नहीं देखा कि ऐसी घटना कभी घटी होगी। और कल ये परसों रात, मतलब 30-31 रात की घटना है, और आज बताइए 1 तारीख हो गया, एक तारीख है, और घटना में अभी तक पुलिस वाले ये कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक जांच हो रही है, उसका निष्कर्ष नहीं निकला रहा है। क्या निष्कर्ष निकलेगा मुझे खुद नहीं मालूम। सनसनीखेज मामला है, क्योंकि गांव का ये पहला ऐसा मामला निकला, पहला ऐसा मामला है। सर देखिए, इतनी भीड़ है और हम लोग खुद भी विचित्र पड़ रहे हैं कि अब इसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, इसके बाद निकाले चले जा रहे हैं, क्या मतलब पड़ा हम लोगों को बताइए। हमारा कहना साहब ये है कि जब तक इसका सही न्याय नहीं मिलता है, सही निर्णय नहीं हो जाता, डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठनी चाहिए। जब वो हमको न्याय मिल जाए, वो जानकारी मिले, तब यहाँ से उठे, यही हमारा लोगों का कहना है, यही गुहार है। यहाँ पर घटना हुई है, यह कैलाशपुर का रहता है, कैलाशपुर में महिला सरपंच है, उसके पति हैं, उनका क्या कहना है और घटना के बारे में क्या जानते हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। रोहित पटेल, क्या घटना के बारे में जानते हैं? घटना के बारे में क्या बताएं सर, विगत हमको शाम को 5 बजे कल जानकारी मिली उनके पुत्र के माध्यम से कि हमारे घर में ऐसा ऐसा कांड हो गया। हमारी मतलब उनके आस पड़ोस वाले फ़ोन उनको लगाए होंगे, तो वो बताए हमको फ़ोन लगा करके, यार थोड़ा देख लो, वहाँ कोई जा नहीं रहा है, मेरी मम्मी जीवित है या नहीं जी रही है। तो मैं जहाँ जब तक यहाँ पहुँचा, यहाँ 50-60 लोग थे, और उसके कहने के मुताबिक थोड़ा सा यहाँ 4-5 ईंटें खोल कर उसको देखे भी, फिर सूचना दी गई पुलिस को। प्रथम दृष्टिया देखने से क्या प्रतीत होता है? प्रथम दृष्टिया देखने से यही है कि मर्डर है। मर्डर, ये गांव में इस प्रकार का छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा, इस प्रकार का घटना निकल कर बाहर सामने आता तो बड़ा निंदनीय है, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत घोर निंदनीय है, इसीलिए सारे पुलिस विभाग के अधिकारी जो आए हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इसकी निष्पक्ष न्याय कीजिए और जो दोषियों हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना हमारे ग्राम पंचायत में न हो। ये बहुत बड़ी दर्दनाक मौत है और जो भी इस कृत्य को किया है वो पकड़ा जाए। और अभी तक यहाँ पर उनके द्वारा डॉग स्क्वाड आया और भी फिंगरप्रिंट वाले आए, तो मेरी उनसे भी निवेदन है कि भाई जो भी यहाँ क्या उसका निर्णय लिया, डॉग स्क्वाड से क्या मिला, और जो आपके और भी अधिकारी या भोपाल से जो टीम आई उससे क्या मिला आपको, वो थोड़ा सा हम बताने का कष्ट करेंगे कि आपने क्या किया। जिस प्रकार से आप मेरे विजुअल पर देख सकते हैं, रीवा ज़िले के हनमना थाना अंतर्गत कैलाशपुर में ये हत्या का जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, विजुअल में आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि इतना दर्दनाक मामला है कि मैं आपको विजुअल में दिखा नहीं सकता हूँ। हत्यारे ने इतनी बुरी तरीके से हत्या को अंजाम दिया है, ये कह सकते हैं अपन, कि मुंह में रुमाल, मोजे और GI तार जिसको कहते हैं अपन बांधते हैं टाइटर वगैरह से, उस तार से बांधे गए, रस्सी से बांधे गए, लेकिन जिस प्रकार से खोलने में समय लगा FSL टीम को, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दरिंदगी को कितना हद पार कर दिए। साथ में आपको और बताता चलूँ कि दरिंदगी का इतना हद पार कर दिए कि करंट लगाने के लिए, करंट पैर में लगाया गया था, करंट लगाने के बाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया।
कहीं ना कहीं पे ग्रामीण जो आक्रोशित हैं, ग्रामीण का कहना है कि किस आधार पर अगर इस नहीं पकड़ा गया आरोपियों को तो बड़ी घटना को अंजाम फिर से दे सकते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर ये होता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए अक्सर लोग बाहर चले जाते हैं और लेडीज सिर्फ घर में रहती है। ये गाँव का पहला ऐसा दर्दनाक घटना है जिसे देख कर पूरा गाँव दहल चुका है, गाँव भ्रमित हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन से ये आग्रह किया जा रहा है कि इस घटना को अगर जिसमें भी अंजाम दिया हुआ है कहीं ना कहीं पर उसको सजा मिलनी चाहिए। आइए हम सुनवाते हैं कि ग्रामवासियों ने क्या कहा पहले, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। सिर में और चेहरे में और छाती में धारदार औजार के निशान है, और उसके नाक में मुंह में मोजा डालकर, मोजा के ऊपर रस्सी तार बांधकर इससे निरीक्षण किया गया है, तो मर्डर तो क्लियर है। जिस ढंग से गुप्तांगों में बताया जा रहा है कि चोट है, नहीं वो तो पीएम की बात पता चलेगा, तो पीएम से पता चलेगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बताया जाता है तो नीचे कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन रेप हुआ है या नहीं ये पीएम की बात निश्चित किया जाएगा। प्रथम दृष्टिया देखते हुए क्या ठीक होता है, कल देर शाम थाना हनमना को यह सूचना मिली कि कैलाशपुर में एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे सूचना मिली तत्काल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ में, और जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आया और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक मृतिका जिसका नाम सुखवरिया गुप्ता है और इनके पति ब्रजलाल गुप्ता हैं, और इनकी बॉडी क्या है अच्छी अवस्था में पड़ी हुई है। बॉडी का जो प्रथम दृष्टया देखा गया तो उसमें क्या है बड़ी जघन्य तरीके से हत्या की गई है, उसके मुँह पे मोजे और रस्सी वस्सी बांध के उसको हत्या की गई। उसका हाथ बुरी तरीके से बंधा हुआ था, शरीर में कई चोटों के निशान भी हैं, और इसके बाद में पुलिस के द्वारा तत्काल मरा कायम भी की गई है और घटना स्थल पर अफसर भी को रीवा से बुलाया गया है, साथ में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हमारे साथ में आए हुए हैं, और इसके अलावा साइबर टीम और अन्य जो डॉग स्क्वाड सभी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और हम बारीकी से इस चीज़ को देख रहे हैं और शीघ्र इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। कहना उचित नहीं होगा, ये अभी एसएसएलटी पे देख लिया है और इसके बाद पीएम रिपोर्ट के बाद भी इसके बारे में पूछ रहा है। दो या दो से अधिक लोगों का एक अनुमान लगाया जा सकता है और इसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा, तो हमारी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। अब इसके परिजन आ गए हैं, बच्चा आ गया है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, है ना, उन्होंने पैसे के बारे में बताई, घर में कुछ पैसे थे वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ उसको एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं। बाकी सामान तो तितर बितर तो किया गया है, देख पड़ताल आप लोगों ने भी देखा होगा, स्पॉट पूरा तितर बितर है और जो उसके हत्या के बारे में अभी कैसे बता दूँ आपको कि भी हत्यारे कहाँ के हो सकते हैं, तो जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी, उनकी मिल जाएगी जानकारी तो पता चलेगा कि वो यहाँ के स्थानीय बाहर के क्या कहना चाहेंगे। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमको उचित न्याय मिले। हम यहाँ गाँव में अकेले थे और इन गाँव में मतलब मम्मी को अपने छोड़ के पिताजी को वहाँ ऑपरेशन करवाने ले गए, हानिया का ऑपरेशन हुआ, अचानक हमको कल 4:30 बजे मतलब सूचना दी गई कि आपके घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है किसी तरफ से, तो हमने उनको बोला कि आप आगे से या पीछे से देखो, तो उन्होंने बताया किसी तरफ से अंदर से बंद है। मेरे को घबराहट हुई तो मैं बोला वहाँ ईंटा हम लगा दिए हैं, उसको आप 2-4 ईंटा हटाओ। उन्होंने 2-4 ईंटा हटा के देखा, मम्मी हमारी गिरी पड़ी थी, हमने उन्होंने बोला कि जाके आप उसको टच करो देखो जिंदा है क्या है, तो उन्होंने बोला हम नहीं टच करेंगे। इसके बाद कुछ लोगों ने दोबारा फ़ोन किया, बोला उनको मतलब मर्डर कर दिया गया है। बस हम शासन प्रशासन से यही हमको न्याय चाहिए बस, और कुछ कोई किसी को अब हमारा तो यहाँ किसी से कोई झगड़ा न व्यक्तिगत कोई वो नहीं था दुश्मनी, अब ईश्वर जाने। देखिए आपने ग्रामीणों का बयान सुना, अधिकारियों का बयान सुना, कहीं ना कहीं पर यह प्रतीत होता है कि घटना जो है बड़ा दर्दनाक है, इस पर कहीं ना कहीं के आरोपियों तक पहुंचने के लिए स्पेशल तौर पर टीम गठित करनी चाहिए। लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का, तो जनप्रतिनिधि इतने बड़े घटना के दौरान भी यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची और पुलिस की टीम बकायदा यहाँ पर जाँच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस आरोपियों तक पहुँच पाती है या सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित रह जाती है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजभव के साथ।
खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818106। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।